आज के दिन की बहुत बड़ी अहमियत है। आज अयाम अज़ा का आखिरी दिन है, ताजी के दिन हजरत इमाम हुसैन का लुटावा काफिला मदीना पहुंचा था, और उस दिन की जो दिक्कतें हैं, जो दुख है, वो आज भी हम सबके दिल में जिंदा है। हजरत इमाम हुसैन ने जो शहादत दी, जो कुर्बानी दी, वो हक और इंसाफ की लड़ाई में दी। आप लोग 150 साल से मजलिस करके उनकी यादों को, उनकी शहादत को जो जिंदा रख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे भी भाई यहाँ पर मौजूद हैं, और इस रिवायत को आप लोगों ने ककरौली की विरासत और शान के रूप में तब्दील किया है, ये बहुत बड़ी बात है। जो डॉक्टर साहब ने बताया कि वो इस मजलिस की के मुतवल्ली हैं, लेकिन इंतजाम पूरा गांव करता है। अपने इस मजलिस को अपनी विरासत के रूप में 150 साल तक बनाकर रखा, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी आप इसी तरीके से इस मजलिस को कायम रखेंगे। हमारे लिए बहुत जरूरी है हम हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद रखें, और हक और इंसाफ की लड़ाई के लिए जिस बहादुरी के साथ उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, आज के दौर में बहुत जरूरी है कि हम उनकी इन यादों को दिल में बसाकर उनकी राह पर चलने का काम करें। उन्होंने जंग के उसूलों पर उस वक्त बात करी थी, अब हम देखते हैं कि कानून बन रहे हैं, लेकिन उन्होंने जंग उसूलों पर कि महिलाओं पर, औरतों पर, बच्चों पर कोई जुल्म ना हो, भले ही जंग चल रही हो, ये उस वक्त कहा था। इस्लाम में बहुत जरूरी है कि हम सबसे ज्यादा आज जो पिछड़ रहे हैं, वो इसीलिए कि हम तालीम नहीं अपने बच्चों को दे पा रहे। तो यहाँ आप और हम सब मौजूद हैं, मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि सिर्फ तालीम की रोशनी से ही हम आजाद हो पाएंगे, जहालत से आजाद हो पाएंगे, और खास तौर पर हमारी बच्चियों की, लड़कियों की तालीम पर सभी को गौर करने की जरूरत है। उस वक्त से ही हमारी लड़कियों को आगे बढ़ाया गया। अगर आप तारीख में जाकर देखेंगे तो हजरत बीबी फातिमा और हजरत बीबी जैनब ने उस वक्त ही लड़कियों की तालीम, और उन्होंने तकरीर तक करने की उनको इजाजत थी। तो उसी दस्तूर को आज आपको और हमें आगे ले जाना है। अगर हम अपनी लड़कियों को तालीम हासिल कराएंगे, उनके लिए सारी सहूलियत मुहैया कराएंगे जिससे उन्हें आसानी हो, तो हम सिर्फ एक लड़की नहीं बल्कि पूरी नस्ल को तालीम की राह पर आगे बढ़ा पाएंगे। मैं भी आपकी बेटी हूँ, और सिर्फ तालीम की ही ताकत है जिसके बलबूते आज मैं यहाँ आपके सामने हूँ। मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि हम अपने कौम के लिए अगर कुछ कर सकते हैं, तो सबसे ज्यादा दीनी तालीम के साथ साथ दुनियाई तालीम में अपने बच्चों को आगे बढ़ाकर, उन्हें इस काबिल बनाकर कि फिर वो अपने कौम के लिए कुछ कर सके। तो ये कुर्बानी आपको और हमें मिलकर देनी है। हमारे बड़ों ने हमारे लिए जो कुर्बानी दी, उसका नतीजा है आज आप और हम इकट्ठे यहाँ पर खड़े हैं। अब हम सबका फर्ज है कि हम सब इस राह में कुर्बानी दें कि हम अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को आला से आला तालीम हासिल कराएं, ताकि वो भी दिखा सके कि इस्लाम असल में किस चीज के लिए खड़ा है। तो मैं आपकी बेटी हूँ, आपके बीच में आई हूँ, आपने मुझे इस काबिल समझा, और हम जिस मकसद से यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ये हमें याद रखने की जरूरत है कि हमारे हजरत इमाम हुसैन ने किस कदर हमारे लिए कुर्बानी दी, और उसी इन्हीं यादों को अपने दिल में बसाकर अपने दीन की सच्ची राह पर चलने की जरूरत है। आप लोगों ने मुझे बुलाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।